गौरव भाटिया जी, गौरव जी एक छोटा सा आंकड़ा है, हम थोड़ी सी चर्चा को आगे की तरफ ले जाते हुए, ये आरबीआई ने अभी, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ गई, लीजिए, राहुल गांधी पर हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री ने पलटवार किया है और राहुल गांधी के बयान पर लोग हंसते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने यह किया, व्यंग किया है, जिस व्यंग की बात संदीप राजी जी अभी कर रहे थे, संसद गार्ड को बेरोजगारी से जोड़ा था, राहुल गांधी ने सुन लीजिए हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा। वो एक ऐसे युवा नेता है जो कई कई चीजें कह जाते हैं, समझे ना, वो पार्लियामेंट में उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने वो छलांग मारी है और वो कहते हैं इसका कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ऐसे किसका कारण क्या होता है इसमें मैं क्या करूं, अब वो टिप्पणी देते हैं, लोग हंसते हैं, अब क्या करें। गौरव भाटिया जी, गौरव जी एक रिपोर्ट के कुछ अंश हम यहां पर आपके लिए पढ़ रहे हैं और यही हमारा प्रश्न भी होगा। आरबीआई ने पिछले महीने नवंबर में एक सर्वे करवाया और उसमें उन्होंने कहा कि अगले एक साल के लिए महंगाई को लेकर लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव हैं और लोगों में अभी पिछले वर्ष जो महंगाई बढ़ रही है उसमें सबसे ज्यादा खाने पीने के दामों की चिंता है और जिस तरह से नवंबर में रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है नवंबर तक, उससे आरबीआई चिंतित है और सरकार को भी चिंता करना चाहिए, सरकार की चिंता बढ़नी चाहिए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, आपको लगता है कि क्या वाकई महंगाई गौरव भाटिया जी बढ़ रही है, और क्योंकि हम समाप्ति पर हैं इसलिए मैंने टाइमर लगा लिया, एक मिनट है सर, एक मिनट में समाप्त कर दीजिएगा, एक एक मिनट सबको और दिया जाएगा, किसी को कम या ज्यादा समय नहीं। भाटिया जी, नहीं सही है जी, मैं समझता हूं कि धिक्कार है ऐसी पत्रकारिता पे या चर्चा पे कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर पे हमला हो जाए और हम लोग कहें कि नहीं ये मासूम बच्चे हैं, आज चर्चा बेरोजगारी पे करते हैं, महंगाई पे करते हैं, धिक्कार है ऐसी चर्चा पे। मैं जो सवाल उठाऊंगा, देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता अपने ही नेता की तरह है, बम बम कर रही थी, तो राहुल गांधी से बड़ा बम तो कोई है ही नहीं, और बम क्या है, ब से बकवास और म से मूर्खता। और मैं क्यों बताता हूं आपको, क्या राहुल गांधी को आज ये नहीं कहना चाहिए था कि नहीं संसद पे अगर हमला हुआ तो ये गलत हुआ और हम हर नागरिक के साथ हैं और स्पीकर के साथ खड़े हैं। इसमें इनको युवा की बेरोजगारी दिखाई दे गई। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की प्रवक्ता को यह भी नहीं पता कि कांग्रेस के ही नेता विजेंद्र सिंह, जो कि सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं, कह रहे थे मुझे तो इनमें भगत सिंह दिखाई हो गया, समाप्त कर दीजिए। तो आप सोचिए, राहुल गांधी कह रहे हैं ये बेरोजगार युवा है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये भगत सिंह है। मैं सारे आंकड़े रख सकता हूं, रोजगार मेला 6 लाख नौकरियां लगी, ठीक है, मुद्रा योजना। गौरव जी मैं आपको रोक रहा हूं, 1 मिनट 17-18 सेकंड हो गए, समय थोड़ा सा कम है और आगे बढ़ते हुए अलका जी आपसे प्रश्न पूछूं, इससे पहले बता दूं गौरव जी आपको कि आप किसी चीज पर भी धिक्कार कीजिए, कुछ भी कीजिए, अपने गिरबान में जरूर देख लीजिए दूसरे पर उंगली उठाने से पहले हम क्या कर रहे हैं। पत्रकारिता को आपने धिक्कारा है, प्लीज इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे, मैं इस बहस को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। अलका लांबा जी आपकी आवाज बंद है। अलका जी एक मिनट का समय है, समाप्त कीजिए, अपना अपना पक्ष रखिए, मैंने ऑन कर लिया आपका टाइमर। ये कह रही हूँ, ये आपके दर्शकों पर छोड़ रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी आज बेरोजगारी को मुद्दा बता रहे हैं, क्योंकि इन चार भारत के ही गरीब परिवार से आने वाले पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं ने जो कदम उठाया वो हमें यही समझ आ रहा है कि बेरोजगारी को लेकर कदम उठाया है। अब देश के करोड़ों लोग इस बात को खुद तय कर ले कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है या नहीं। हरदीप पुरी जी मजाक उड़ा रहे श्री राहुल गांधी जी का, वो राहुल गांधी जी राज्यसभा आपको जो दया में मिली है प्रशासनिक सेवा से आए, कभी जनता के बीच में नहीं गए। राहुल गांधी जी 4,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करके लोगों के बीच से चुनकर आते हैं, लोगों के मुद्दे को जानते हैं वो क्या है, और आप कहते हैं कि की जो सदस्यता सस्पेंड किया है उससे हमले का या उससे सेंधमारी का कोई लेन देन नहीं है, ये झूठी बात है। 13 तारीख को ये सेंधमारी होती है, गृह मंत्री से हम लोग जो है सदन में आकर जवाब देने को कहते हैं और उसमें हंगामे में
15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक ऐसा भी सांसद है डीएमके का जो सदन में था भी नहीं। अलका जी समाप्त कीजिए, एक मिनट हो गया आपका, 5-10 सेकंड और ले लीजिए। रमेश बिधूड़ी को सस्पेंड क्यों नहीं किया? प्रताप सिंह, ठीक है अलका जी समाप्त करके कीजिए वरना आवाज बंद करनी पड़ेगी आपकी। अलका जी टाइम हो गया। अलका जी हम आपसे ये भी पूछना चाहते थे, उत्तर कभी और दीजिएगा कि अगर इतनी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश की जनता परेशान है, तो छत्तीसगढ़ राजस्थान में जहां पर आपने जबरदस्त स्वास्थ्य योजना और किसानों के लिए काम किया, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य योजना 25 लाख रुपए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आप जीतते हुए दिखा रहे थे कमलनाथ, बहुत सुनिए तो एक मिनट, क्यों हार जाते हैं? अभी समय नहीं है, हम आगे आपसे बात करेंगे। मलूक नागर जी सिर्फ एक मिनट सर, मैं टाइमर लगा रहा हूं आपका भी, आप बताइए कि क्या हमारे देश में महंगाई बेरोजगारी वाकई बढ़ रही है जिसका असर युवाओं पर हो रहा है? अंसारी जी माफी चाहते हुए आपकी बात को भी मैं एक तरीके से दूसरी तरफ लेते हुए सीधा कह रहा हूं जी। आज देश की संसद में घटना घटी हमारे सब के लिए, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, स्पीकर, डेथ थ्रेटनिंग थी। इसमें सिक्योरिटी में क्या क्या उपाय किए जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही। अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कोई ले नहीं रहे। देश की संसद से प्यार दिख नहीं रहा, देश से प्यार दिख नहीं रहा, देश के लोगों से प्यार दिख नहीं रहा। मुझे तो साफ लगता है कि आपको भी कई बार इधर या उधर ले जाते हैं, हल्का सा डाइवर्ट कर देते हैं। 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके उस पर चर्चा करते हैं, कौन फायदा उठा ले, कौन किसी को नुकसान दे दे। असलियत यह है कि ये बहुत बड़ी घटना है और ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इस पे बहुत बारीकी से चर्चा हो। और ये सुरक्षा जहां पे कोई प्रधानमंत्री जी के लिए भी कोई सिक्योरिटी वाला अंदर नहीं था, बिल्कुल ठीक है सर, नहीं सर, होता, एक मिनट हो गया समाप्त कर दीजिए नागर साहब। इस तरह की चर्चाएं सदन में होनी चाहिए, जो सदन जो चर्चा आज आपके टेलीविजन, बिल्कुल ठीक है। जोशी जी आप मानते हैं कि इसे सिर्फ एक आतंकी घटना के तौर पर देखना चाहिए और बेरोजगारी महंगाई जो ये नारे लगा रहे थे, जो भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहे थे, उस पर चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? देखिए देश को क्या लग रहा है, देश को लग रहा है जब जब इनके नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, देश को जब देना होता है जवाब सदन में मणिपुर की बेटियों पे, तब वो गायब हो जाते हैं। अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे जवाब देने को। ये भारतीय जनता पार्टी को देश के 140 करोड़ लोगों ने चुना क्यों है? अगर ये सदन में जवाब देने के लिए निमंत्रण पत्र छपवाना पड़ रहा है, ये किस तरह चलेगा? और सांसद जो बीजेपी का है, जिसने पास दिए, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्यों उनको उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? ये निश्चित तौर पे देश के बड़े सवाल है, इनका जवाब देश जानना चाहता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। संगीत रागी जी, सर मैं आपका भी टाइमर सेट कर रहा हूं। सर आपको क्या लगता है कि आज हमारे देश में क्या वाकई युवा इस घटना से अलग है? जो आतंकवादी कृत्य है फांसी पर लटका दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन युवाओं का प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, क्या आज वाकई युवा की स्थिति क्या है आपकी दृष्टि? देखिए दुनिया में बेरोजगारी कोई भारत में अकेले नहीं है, लेकिन सब जगह लोग हथियार करके और कूद नहीं पड़ते हैं। राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 30% थी, 6 गुना ज्यादा थी जो एवरेज नेशनल भारत की थे, उससे वहां पर तो कोई छलांग नहीं लगाया। तीसरी बात देखिए, आने वाले दिनों में मैं भारतीय जनता पार्टी को सचेत करना चाहता हूं, एक बात बीच में जोड़ देना चाहता हूं। सर मैं आपका 30 सेकंड काट रहा हूं, समय हो गया और बहुत प्रेशर आ रहा है कि खत्म कर दीजिए, फिर आपसे संगीत रागी जी बात करेंगे आपसे। गौरव भाटिया जी, अलका लांबा जी, मलूक नागर जी, भुवन भास्कर, जोशी जी, संगीत रागी जी, हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।